नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करते हैं आप दिन दोगुनी रात सौगुनी तरक्की करें। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में एक गहरे राज पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह राज की बात किसी की भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। पूरे घर का खिड़की दरवाज़ा बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है और यह गुड न्यूज़ सबको चौंकाने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, किस्मत हमें मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, ये होगा तभी जब आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आज की इस वीडियो में हम कुछ विशेष बातें लेकर आए हैं जो कि आपको बताएंगे वीडियो के बीच बीच में, और वीडियो के बीच बीच में हम कुछ विशेष सावधानियां भी बताएंगे ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना करें और अच्छे से इन सभी अवसरों का लाभ उठाएं। दोस्तों वीडियो बड़ा ही खास है और यह वीडियो आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध है हमारी आपसे कि आप इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे में व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्टूडेंट लाइफ के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए व अन्य सभी स्तरों के लिए क्या क्या शुभ एवं क्या क्या अशुभ समाचार लेकर आने वाले हैं, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी जानकारियों ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक है। सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके उनके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री संकट मोचन हनुमान जी लिखेगा, उन्हें भगवान संकट मोचन हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, सितारे कहते हैं कि आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगी। आप लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए से किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको अच्छे लगेंगे। आप तुरंत भी किसी समस्या का समाधान भी निकाल ही लेंगे, और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आप किस तरह से सबके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारी कार्यक्रम योजना के अनुसार अच्छे पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत खास होगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इस बात का अभी आपको ध्यान रखना होगा कि अपने मुंह से कुछ ऐसा न निकले जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और सोच समझ कर ही वाणी का प्रयोग कीजिएगा तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर अभी आपके अनुकूल है। आपको हर एक कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना होगा। अपनी बात को छोटे और देखिए अर्थपूर्ण तरीके से भी करें, और आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने और भी मौके मिलेंगे। आपको बस हड़बड़ी नहीं करना है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो बात आपके मन में कई दिनों से है उसे सामने रख ही दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए भी उपयुक्त दिन है। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय अभी आप ना लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान भी दिलवा सकता है। बिना सोचे समझे अगर आप कहीं कदम रख देंगे तो परेशानी आपको होगा, इस बात का भी आप ही को ध्यान रखना होगा। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकर जाल में अभी आप ना फंसें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना आपके लिए जो है हानिकारक रहेगा, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं करेगा। परंतु अगर आप हर एक सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उसी दिशा में जाएगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज के दिन आपके दोस्त, सहकर्मी, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितने भी आपके करीबी हैं,
वे सब लोग आपको इस बात के लिए अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए, और अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में आप जो है उनकी सलाह मान सकती हैं। लेकिन उनके बताए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से अभी आपको बच के रहना चाहिए। आप प्यार ढूंढ रहे हैं, इसलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मोह में पड़े से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए भाग्यशाली दिन है, बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ पाएंगे और आपके प्रयासों की भी सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज धन को निवेश करने के बारे में योजना बना रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा सौदा जो है मिल सकता है। सावधानी से सभी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही आप हस्ताक्षर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में अभी आपको लगने से बच कर रहना चाहिए। अगर कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है, उनसे ज़रा ध्यानपूर्वक बच के रहिएगा, क्योंकि अक्सर जो मीठा बोलते हैं उसमें जहर होती है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाते हुए और अभी काफ़ी महत्व जो है मछली है, इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इसमें फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगी जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही है, और आपको परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर भी सकती हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, फिर भी हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि कोई भी अगर समस्या है तो गलत फैसला भी आप इसमें उठा सकती हैं, सावधानी पूर्वक कार्य कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए ही दिक्कत होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए भी उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग भी आपसे मिलने और सलाह लेने आ सकती हैं। आज का दिन नए सितारे भी आपकी दोस्ती की प्रेम संबंधों में मजबूत करने का समय है। आज का दिन जो है माफ़ी प्रदान करने से और गलतियां भूलने से बेकार की चीज़ों पर पानी डालने का समय है, और दूसरी ओर आप किसी और ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकती हैं जिनसे आप जो है पहले कभी नहीं मिले हैं। पुरानी भूलकर और नए सिरे से शुरुआत करने का समय है, आपके लिए जो है बहुत अच्छा है। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। ये धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययनतर हैं, उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकती हैं, और आप जो है स्थिति में रहें, ये याद रखें कि एकता में बल है, इसलिए समूह प्रयास में ही संतोषजनक परिणाम ला सकते हैं।